पेट से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंधा नमक और नींबू के रस को साथ मिलाकर पीने से काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। इससे गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। कान के दर्द से आप परेशान हैं तो प्याज के रस को गर्म करके 4 से 5 बूंद कान में डालने से आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। दमे के लिए तुलसी और वासा दमे के रोगियों को तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा का 250 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर दें। लगभग 21 दिनों तक सुबह काढ़ा पीने से आराम आ जाता है। भूख ना लगती हो तो बराबर मात्रा में मुनक्का बीज निकाल दें, हड़द और चीनी को पीसकर चटनी बना लें। इसे 5 और 6 ग्राम की मात्रा में 1 छोटा चम्मच थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से पहले दिन में 2 बार चाट लें। दांतों की सुराख कपूर को महीन पीसकर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मले। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें। फिर सुराखों के नीचे कपूर कुछ समय तक दबाकर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। अदरक और शहद का इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी जुखाम और गले की खराश दूर हो जाती है। कोरोना में भी सभी लोग ने इसका इस्तेमाल किया था। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है और आप इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि आप हल्दी के सेवन से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हल्दी में दूध डालकर रोजाना पीते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। दूध प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो मसल्स में आई सूजन को कम करने में फायदा दिलाती है। बच्चे के पेट के कीड़े, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह और शाम को प्याज का रस गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकालकर उसे गर्म करके गुर्दों पर लगाने से या छूने से आराम हो जाता है। गिल्टी का दर्द, प्याज पीस कर उसे गर्म कर ले, फिर उसे गौमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना ले। उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द और गिल्टी समाप्त हो जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उबालना। वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पानी को अगर केवल 5 मिनट तक भी उबाला जाता है तो इससे पानी शुद्ध हो जाता है। इसलिए बरसात के मौसम में जब बीमारियां बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब लोगों को पानी उबालने भी कहा जाता है। इससे दूषित पानी से होने वाले डैमेज से हेल्थ को सुरक्षित किया जा सकता है। पेट के कछुए और कीड़े 1 बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद सम भाग मिलाकर शाम को पीने से केचुआ और कीड़े 5-6 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं। छोटे बच्चे को उल्टी, दस्त, पके हुए अनार के फल का रस कुनकुना गरम करके शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से शिशु वमन अवश्य बंद हो जाता है। 1 बड़े साइज का नींबू काट कर उसे रात भर ओस में पड़े रहने दें। फिर कल 1 ग्लास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर शरबत नम मात्रा काला नमक डालकर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। कान की फुंसी, लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह, दोपहर और शाम को कान में 2-2 बूंद डालने से कान के अंदर की फुंसी बाहर आ जाती है और बैठ जाती है और दर्द भी समाप्त हो जाता है। कुकुर खांसी, फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें। थोड़ा सा फिटकरी के चूर्ण में सम भाग चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करने से कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। पेशाब की जलन, ताजे करेले को महीन महीन काट ले, उसे हाथों से भली प्रकार मल दे। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को पीने से पेशाब की कड़क और जलन ठीक हो जाती है। सिर दर्द, सोंट को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम होता है। मस्ती की कमजोरी, मेहंदी का बीज अठन्नी भर पीसकर शुद्ध शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है और श्रवण शक्ति भी ठीक होती है और सिर दर्द में भी आराम हो जाता है। बालों को जल्दी से घना बनाने के लिए खास तौर पर नियमित रूप से डीप कंडीशनर करना, अरंडी और नारियल तेल का इस्तेमाल करना, रोजाना बालों को साफ पानी से धोना, संतुलित और पोषण युक्त आहार का सेवन करना, भरपूर पानी पीना और कम तनाव लेना आपके बालों को जल्दी घना बना सकता है। दाल के साथ परवल, बीन्स जैसी सब्जियां बनाने जा रही हो तो इन्हें काट कर दाल के साथ ही प्रेशर कुकर में उबाल लें। सब्जियों को 1 छोटे बर्तन में रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर कुकर में रखें। बाद में कढ़ाई में दाल और सब्जी का अलग अलग मसाला भूनकर तैयार करें। इस तरह 2 चीजों को एक साथ बनाने से समय की बचत होगी।
पतले बालों को घना बनाने के लिए आपको वसायुक्त मछलियाँ, अंडे, दाने और बीज, दही, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, शकरकंद खाना चाहिए। शकरकंद में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। पुदीने की चटनी को मिक्सी में बनाते समय ज्यादा देर तक ना पीसें, वरना कड़वा स्वाद आएगा। ज्यादा देर तक पीसने से पत्तियों के तेल से गंध आना शुरू हो जाती है। चेहरे पर तुरंत ग्लो लाने के लिए आप चंदन मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि चंदन में मुल्तानी मिट्टी मिला लें और इसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लें। सबको मिलाकर अपने स्किन पर लगाएं और थोड़ी देर हल्के हाथों से स्क्रब करें। फिर 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। आपकी त्वचा के लिए एलोवेरा एक नेचुरल पावर हाउस कहा जाता है। इसके लिए आपको नेचुरल एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाना है और धोने से पहले करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आप हर दिन ऐसा करती हैं तो आपके चेहरे पर परमानेंट ग्लो आ जाएगा। करवट लेकर सोना हर हाल में पेट के बल सोने से कई ज्यादा फायदेमंद है। वहीं अगर पेट पीछे कर यानी पीठ बिस्तर की तरफ हो तो करवट भी हेल्थ के लिए बेहतर है। अब अगर करवट में किस करवट सोना ज्यादा फायदेमंद है ये जानना भी जरूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक बाई करवट सोना हेल्थ के लिए हर हाल में सही है। गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति बाईं तरफ होना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और महिलाएं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे यदि बात करें सोने की तो किसी भी गर्भवती महिला को उस तरफ से सोना चाहिए जिधर से उनके पेट को सपोर्ट मिले। सही डाइट ना लेना, गर्मियों के दिनों में कुछ लोग अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मौसम के अनुसार डाइट लेने पर ही बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है और ऐसा ना करने पे कई बीमारियां बढ़ जाती है। सही डाइट ना लेने के कारण मरीजों को कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ा देता है। अगर आप भी ऐसी महिलाओं में से एक हैं जो रात को मेकअप साफ किए बिना सो जाती हैं या बालों में पिन, अंडरगार्मेंट्स या कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर सो जाती हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी बॉडी को बीमार कर सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस, जैसे कि हमने आपको बताया, कुछ महिलाएं इतनी थकी होती हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर सो जाती हैं, जबकि सोते समय कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वे अपनी जगह से खिसक कर इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही सोते हुए आंखों में लेंस के लगे होने से कार्निया से जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। महिलाओं को तेजी से वजन कम करने के लिए जीरा पानी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि जीरा पानी एक लो कैलोरी ड्रिंक है जो बेली फैट को बर्न करने में मदद करता है। साथ ही इसके सेवन से भूख कम लगती है, जिससे वजन को तेजी से कम करने में मदद मिलती है। मेकअप लगाकर सोना, दिन भर में अपने चाहे जितना मेकअप किया हो लेकिन रात में सोने से पहले मेकअप को अच्छी तरह उतार देना चाहिए, क्योंकि सुबह से रात तक अगर आप मेकअप में रहती हो तो स्किन पर मेकअप का बुरा असर भी हो सकता है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि रात को सोते समय चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें, ताकि मेकअप आपके चेहरे पर रात भर ना रहे। रात भर अगर आप मेकअप को चेहरे पर लगाकर छोड़ देंगी तो इसका बुरा प्रभाव आपकी त्वचा पर पड़ सकता है। अगर आप अपने चेहरे पर होने वाले किन मुहासों से परेशान हैं, तो इसके लिए पिछले रात में मेकअप रिमूव ना करना भी है। वास्तव में जब आप रात में सोने से पहले मेकअप नहीं उतारती हैं, तो इससे आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर स्किन में कई तरह की समस्या हो सकती है। जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें अनार के रसों को बालों में लगाने से लाभ होगा। जामुन खाने से मसूड़ों की सूजन और दांतों की सनसनाहट और दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। टाइट कपड़े, विशेष रूप से अंडरगार्मेंट्स, डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि रात में सोते समय ढीले और साफ कपड़े पहनकर सोना चाहिए। थकावट के चलते उन्हीं कपड़ों में सो जाने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोजाना शाम तक आपके कपड़े धूल और गंदगी से भर जाते हैं और पसीने के कारण उसमें चिपक जाते हैं, इसलिए साफ कपड़े पहने। इसके अलावा महिलाएं आमतौर पर दिन भर अंडरगार्मेंट्स पहने ही रहती हैं और रात में भी इन अंडरगार्मेंट्स को पहनकर सो जाती हैं, लेकिन इससे प्राइवेट पार्ट्स का टेम्परेचर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा होता है। साथ ही यहाँ नमी की भी आवा बनी रहती है, जिससे कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। बिना कपड़ों के सोने से इन अंगों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।